नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा अग्रवाल। टुडे जुनून में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टुडे जुनून की टीम एक बार फिर पहुंच चुकी है यूपी के मंगरोली गांव के प्रधान से बात करने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवीर सिंह है, खड़गवंशी है और मैं ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा, हमें बताइए कि आपने अपने चुनाव के दौरान कुछ वादे किए होंगे कि हम ये कार्य करेंगे, तो अब तक क्या कार्य है जो हो चुके हैं और कौन से अभी बाकी हैं? काफ़ी वादे किए थे, लगभग 30-40% वादे हैं जो हमने पूर्ण रूप से करे हैं। वैसे विशेष रूप से हमने शिक्षा की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहा है, क्योंकि हमारी खड़गवंशी समाज अब से पहले शिक्षा की तरफ आकर्षित नहीं थी। गांव के प्रधान संघ अध्यक्ष हैं हमारे यशपाल जी, उनकी तरफ से, और हेमराज गुजर जी हैं, बहुत ऐसे प्रधान रहे हैं जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया है, बहुत सहयोग दिया है और शिक्षा को बहुत आगे ले जाने का काम उन लोगों ने उनके साथ माध्यम से हमने किया है। अभी 2 वर्ष हुए हैं लगभग हमारे। 2 वर्ष में हमने 2 विद्यालयों की मांग की थी जो शासन की तरफ से, वो विद्यालय पूर्ण रूप से हमारे आ गए हैं और बन रहे हैं, क्योंकि शिक्षा है तो तभी हम आगे सक्सेस हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कई वादे ऐसे थे नाली खड़ंजों की, जो ग्राम प्रधान है, खड़ंजों का एक विशेषण होता है, गाँव में गंदगी होती है, तो विशेष रूप से हम जब खड़ंजों की तरफ निकलते हैं तो उसमें खड़ंजों के साथ साथ हमें नालियों की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वो गर्मी का समय है, मच्छर भी पैदा होते हैं, बहुत चीज़ ऐसी होती हैं जो सरकार ने फंड दिया है उसे हम टाइड एंड टाइड के माध्यम से लगाते हैं, और गाँव में उन लोगों की नाली खड़ंजे वगैरह वगैरह होते हैं तो उन पर विशेष ध्यान देते हैं। जैसे कि प्रधानों को लेके भी कुछ चीज़ें होती है कि उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिससे जनता खुश नहीं होती कभी, तो आपने कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया है जिससे जनता खुश नहीं हुई? कई ऐसी चीज़ रही हैं हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में जो हम या हमसे हमारी क्षेत्र की जनता खुश नहीं रही है। जैसे कभी कभी हो जाता है, एक व्यक्तिगत विशेष अभियान चलाता सरकार का कि गायों का, पशुओं का, पशु मेरे नहीं है, आपके नहीं है, इन सबके नहीं है, वो तो सबके पशु हैं, क्योंकि वो किसानों ने छोड़े, सरकार ने नहीं छोड़े, तो किसानों को लगा कि भाई कहीं ना कहीं ये गौशालाएँ खुलनी चाहिए, गौशालाओं में ये पशु आने चाहिए।